So students, we will see today what is matrix multiplication and how to implement matrix multiplication using C language and understand the concept, right? Because many students, what they are doing, they are just searching matrix multiplication on internet. They find a code and they just try to dry run that code, ki how it is working, and they are thinking that my part is done, मुझे matrix multiplication आ गए, right? लेकिन ये गलत concept है coding करने का। आप problem को समझिए, उसमें से pattern ढूंढिए, क्योंकि ये सारे जो है pattern programming के ही application से, कि matrix जो है 0001 00, उसके index जो है, उस index को साथ आप कैसे वहाँ पे कुछ क्या आपको pattern मिल रहा है, और and converting that pattern into the code in the form of loop, ये यहाँ पे main सीखने का मुद्दा है। लेकिन बच्चे जो कोडर्स होते हैं उस मुद्दे से वो डेबेट होते हैं। दे सर्च ऑन इंटरनेट, दे सर्च ऑन ChatGPT मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोड, देखते हैं कैसे काम कर रहा है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं, एंड दे थिंकिंग दैट कि मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया। बट दिस इज द रॉन्ग अप्रोच ऑफ डूइंग कोडिंग, ओके? क्योंकि जब भी आप कंपनी में जाएंगे तब आपके लिए नए नए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप उस नए प्रॉब्लम को कैसे सोच के सॉल्व कर पाएंगे विद मिनिमम टेकिंग ऑफ, मतलब आप हेल्प लीजिए और अदर सोर्सेज का, बट समटाइम्स देयर आर वेरी यूनिक प्रॉब्लम्स वी नीड टू डील विद, राइट? सो एट दैट टाइम अगर आपने पहले से जब इनिशियल लेवल पे कोडिंग कर रहे, आपके माइंडसेट उस प्रकार से डेवलप हुआ होगा कि कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पा रहे हो, राइट? बाय यूजिंग इट्स एल्गोरिदम यू एबल टू कन्वर्ट दैट एल्गोरिदम इनटू अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे स्किल होंगे तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यू आर वेरी मच रेडी फॉर दैट। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम स्क्रेच। जस्ट उसके हमें अलगो पता हो, उस पर से हम कैसे कोड में कन्वर्ट करें, बाय फाइंडिंग फ्यू पैटर्न्स, राइट? सो बी रेडी। सो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास पहले चाहिए दो मैट्रिक्स चाहिए। मैं यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ ऑफ साइज 3x3। उसको लेटर ऑन आप कोई भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड बिफोर मल्टीप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, थियरी ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेट मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोथ द मैट्रिक्स मस्ट बी कॉम्पेटिबल विद ईच अदर। कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये इसका जो कॉलम साइज एंड इसका रो साइज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन ओनली वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन। यानी आप पहले से ही क्या कर सकते हो, चेक ही करा सकते हो। जब दो मैट्रिक्स के आप साइज लो, पहले ही आप ये चेक कर लो, अगर इसका जो कॉलम साइज है एंड इसका रो साइज अगर दोनों सेम होंगे देन ओनली वी विल प्रोसीड। नहीं तो वहां पे हम क्या मैसेज दे देंगे उनको कि ये क्या, दिस मैट्रिक्स इज नॉट कंपेटिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। अंडरस्टूड? तो पहला काम ये करना है हमें। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली मल्टीप्लीकेशन पे फोकस कर रहा हूँ, कोर कोडिंग पे फोकस कर रहा हूँ। बाकी आपको कैसे उसके अंदर थोड़ा फॉर्मेटिंग करना है, इट्स अप टू यू, राइट? तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, दो मैट्रिक्स लूंगा, इसका साइज एक का नाम ए है, एक का नाम क्या है बी है, दोनों का साइज हम 3x3 ले रहे हैं, राइट? पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों मैट्रिक्स के अंदर डेटा डाल देंगे। तो फर्स्ट टास्क इज अगेन एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग कि हम लोग को बेसिक, जब आप पहली बार कोडिंग कर रहे हो तो स्टेप्स फॉलो करो, इनपुट प्रोसेस एंड देन आउटपुट, ये बेसिक तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला काम क्या होगा हमारा, इनपुट। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट मैट्रिक्स ए एंड बी, दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, रीड कर लेंगे, ओके? रीड कर लेंगे मतलब उनके अंदर क्या आ गया होगा, डेटा आ चुका होगा। ये अभी हमने देखा हमने मैट्रिक्स एडिशन में कि डेटा मैट्रिक्स के अंदर हम कैसा रीड करते हैं, सबट्रैक्शन के अंदर। तो आपको दो फॉर लूप लगा के आपने जैसे रीड किया था वैसे हम रीड कर लेंगे। तो 5, 3, 2, मान लो ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ कंटेंट 1, 3, 1, 2, 1, और यहाँ पे 2, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 0, ऐसा आपने दो मैट्रिक्स के अंदर डेटा डाल दिया। अब मान लो कि हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमें एक नया और एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, सी, राइट? स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सी को थोड़ा क्या लेता हूँ, बड़ा लेता हूँ, राइट? इसके अंदर सी को मैं क्या लेता हूँ, थोड़ा बड़ा लेता हूँ। यहाँ पे हम पता है हमें इनपुट लेना है, राइट? ओके, जो सी मैट्रिक्स होगा, चलो आपको पता चल गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट लेंगे। मैं यहाँ पे इसको इरेज करके ये बी को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाए, राइट? तो यहाँ पे मेरा बी मैट्रिक्स को यहाँ पे रखता हूँ जिसको मुझे ए के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बी को। वी कैन डू दैट हियर आल्सो, सो नॉट एन इशू। तो ए बी मैट्रिक्स को हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं विद बोथ आर ऑफ साइज 3x3।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये रो नंबर क्या है 012, ये भी रो नंबर क्या है कॉलम नंबर 012, रो नंबर 012 कॉलम नंबर 012, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ये सर नो यस ओके। स्टूडेंट्स आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसा है, उसका फर्स्ट रो के साथ आप फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम, फिर आप कहां जाते हो सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो के बाद साथ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ये हमारे क्या है नॉर्मल प्रिंसिपल है कि फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, यानी फाइव के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है 2, फिर ये आपका पहला सेल बनता है ना फर्स्ट रो। देखो टोटल कितने काम हुए, टोटल आपको 9 चीजें मिल रहा है ना, तो क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो आपको कितने मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे इंडिविजुअल ऑपरेशन 9 होंगे राइट, 9 सेल्स है। आपके जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा आपको पता है ना स्टूडेंट्स, ये और इसका रिजल्ट बनता है फाइनल रिजल्ट, ये आई जे और मान लो ये जे के है तो आई बाई के क्या बनेगा आपका नया साइज बनेगा। हमको पता है कि जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है उसका साइज क्या होगा ये वाला एंड ये वाला, ये सर नो। इसको अगर मैं आई से लू और इसको जे के लू तो आई के हमारा नया साइज, वी नो दैट 3x3 का क्या बनने वाला है मैट्रिक्स बनने वाला है राइट। सो स्टूडेंट्स हाँ 9 हमारे एलिमेंट्स, तो पहले ये मैं बड़ा मैट्रिक्स बना रहा हूं आप इसको ही समझे, सी वाला मैट्रिक्स है ये बड़ा मैट्रिक्स है सी वाला ओके। सो सी मैट्रिक्स हमारा बन रहा है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए पहला सेल, उसका जो पहला सेल को मैं 9 बॉक्सेस बना के आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, ये पहला क्योंकि 9 क्या होने वाला 3x3 आपके एलिमेंट्स बनेंगे ना रिजल्ट मैट्रिक्स, तो ये दिस राइट, ये हमारे 9 यहाँ पे बनने वाले हैं सेल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ है ना, तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा देखो आप हमें यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट किसमें करना है कोड में, तो हम देखेंगे इसका इंडेक्स किस टाइप का होता है। आपको मल्टीप्लिकेशन तो पता है कि फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन देखते हैं फिर वहां पे कोड वाला देखें कैसे हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी आप कैसे लिखते हो पता है ना, 5x2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना 3x1 प्लस 2x1, ये आपका क्या बनता है पहला सेल, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 5x4 प्लस 3x2 प्लस 2x3, वैसे ही आपका क्या बनेगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 5x2 ये मैं यहाँ पे आएगा 5x2 प्लस 3x1 प्लस 2x0 तो ये आपके तीनों क्या बनेंगे पहला सेल, इसी टाइप से आपका दूसरा सेल वैसे ही, मतलब आप फिर फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेशन किया, वैसे ही आप क्या करने वाले हो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम यानी 2x2 5x1 8x1, ये आपका क्या जब सबको जोड़ोगे तो आपका ये एलिमेंट बनेगा यस, फिर ये एलिमेंट ये कैसा बनेगा सेकंड एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2x4 5+5x2 8x3 जो भी आएगा प्लस करोगे यहाँ पे बनेगा, ये कैसे बनेगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4x2 प्लस 5x1 प्लस 8x0 यहाँ पे आएगा, ये कैसे बनेगा 1x2 मीन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसा यहाँ पे ऐसा ये मल्टीप्लाई ऐसे राइट, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे ये कैसे बनेगा दिस एंड दिस 1 4 2 2 1 3 यहाँ पे, और लास्ट कैसे बनेगा मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम 1x2 2x1 1x0 जो भी इसका समेशन आएगा यहाँ पे। तो ये बेसिक कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काम करता है वो हमने बताया, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपको शायद पता हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आप कोड कर रहे हो तो हमें पता होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू अ कोड राइट, एंड वो भी बिना रट्टा मारे हमें प्रोसेस से पैटर्न ढूंढ के। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं बाय दिस ओके। सो हियर हाउ वी विल डू, सो वी विल कन्वर्ट दिस लाइक यू नो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हम एक चीज देखें खाली हम यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं इंडेक्स, तो हमें आइडिया आएगा कैसे हम उसको क्या करेंगे लूप में आईजे लेंगे राइट। तो हम यहाँ पे अगर एक चीज हम देखेंगे स्टूडेंट्स ये क्या मल्टी यहाँ पे खाली लिख लेते हैं किसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो
इंडेक्स लिखते हैं, ओनली इंडेक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, आप उसका इंडेक्स बताइए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? जीरो जीरो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? जीरो जीरो के साथ। प्लस फिर स्टूडेंट्स जीरो वन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? वन जीरो के साथ। प्लस जीरो टू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? जीरो टू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? टू जीरो के साथ। ओके ये आपका पहला सेल बनेगा। नेक्स्ट सेल बनाने के लिए स्टूडेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी जीरो 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 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? वन जीरो के साथ। फिर जीरो वन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? वन वन के साथ। ये वन वन इंडेक्स लिख रहे, वी आर डीलिंग विद इंडेक्स राइट। प्लस जीरो टू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो मल्टीप्लाई होगा जीरो टू किसके साथ? टू वन यानी इसके साथ टू वन। थर्ड में जाएंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड कॉलम होगा, हम क्या आएंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी जीरो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा। थर्ड कॉलम है ना जीरो टू के साथ, जीरो वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो वन के साथ मल्टीप्लाई होगी यानी वन टू, एंड जीरो टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू टू राइट, टू टू। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, फर्स्ट रो आ गया पूरा। देन हम लोग यहाँ पे हम आ रहे हैं सेकंड में, तो स्टूडेंट्स ये तीनों कवर कर लिया। अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो में हम आएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी स्टूडेंट्स ये देखिए ये क्या इंडेक्स है? वन जीरो, आपको पता चल रहा है ना वन जीरो रो है। वन जीरो के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट रो यानी जीरो जीरो। प्लस ये स्टूडेंट्स क्या है? वन वन के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? वन जीरो, वन जीरो। प्लस वन वन के ये क्या है? वन टू, वन टू के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? टू जीरो। ओके फिर ये कंप्लीट हो गया कौन सा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब क्या जाएंगे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब टू फोर यानी कौन है बेटा? ये है भाई साहब है वन जीरो। देखो ये सेम आएगा बेटा वन जीरो वन 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 टू, क्योंकि सेकेंड रो है, सेकेंड रो है तो पहले वन जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वन वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वन टू के साथ। तो हम यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं वन जीरो वन वन और वन टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि पहले सेकेंड रो पूरा एक एक हो रहा है वन जीरो वन 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 टू। लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा? सेकेंड रो हम फर्स्ट कॉलम हो चुका है ना, अब हम किस में जा रहे हैं? सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम का क्या इंडेक्स है? जीरो वन 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 टू वन, जीरो वन 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 टू वन। वैसे हम डायरेक्टली अब किसका लिख सकते हैं? सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो में पता है क्या है? वन जीरो वन 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 टू, और सेकेंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है? थर्ड कॉलम यानी जीरो टू वन टू टू टू, जीरो टू वन टू टू। वैसे हम किसके लिए करेंगे? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये तो बच्चों सबका कॉमन आएगा थर्ड रो, टू जीरो टू वन टू टू, टू जीरो टू वन टू टू। बच्चा क्या हम ऐसा सभी में लिख सकते हैं टू जीरो टू वन टी टू, क्योंकि ये कॉमन हो रहा है ना सारे के साथ थर्ड रो होने वाला है, तो मैं पहले से ये सबको लिख लेता हूँ टू जीरो टू वन टू टू, टू जीरो टू वन टू टू। बच्चों आपको पता है कि जब सेकेंड रो होगा तब मतलब थर्ड रो होगा, पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम, तो ये मैं सेम ला सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट रो है। देखिए सब सेम है ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे हमने कुछ गलती किया है प्लस राइट है, इज इट राइट? जीरो जीरो ये हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? सेकेंड रो है तो मतलब थर्ड रो है तो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या आएगा बेटा हमको? जीरो जीरो हाँ, ये देखो सब में सेम आ रहा है बेटा, जीरो जीरो वन जीरो टू जीरो, जीरो जीरो वन जीरो टू जीरो। तो यहाँ पे वन जीरो वन वन एंड टू वन, तो यहाँ पे हमने जीरो वन लिख दिया ना, यहाँ पे क्या आएगा? जीरो वन आएगा, जीरो वन आएगा ऊपर, जीरो वन आएगा यहाँ पे, जीरो वन 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 टू वन। तो बच्चों ये देख रहे हो कॉलम देख रहे हैं ना आपको, जीरो वन है, फिर क्या है वन वन है, फिर टू वन है, मतलब ये वाला कॉलम है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जीरो वन 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 टू वन, सेम टू सेम देख रहे हो जीरो टू वन, मतलब ये किसको कॉलम? थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये थर्ड कॉलम को किससे रिप्रेजेंट हुआ? जीरो टू वन टू 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 ना, तो ये थर्ड कॉलम पूरा है, तो एज इट हम इसको लिख सकते हैं जीरो टू वन टू 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 है ना। तो ये सारा बच्चों ये अगर आपने लिख लिया फिर आपका काम किया। बीच में हमको पता है एडिशन ऑपरेशन होता है, क्या होता है? एडिशन ऑपरेशन होता है बीच में। अगर देखो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो लेकिन ये आपको पता नहीं है, इसके बाद हमें पैटर्न ढूंढना है, इसके बाद हमें ढूंढना है क्या इसमें क्या मुझे पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न पर से कोड होता है। लेकिन बच्चे डायरेक्ट कोड कर लेते, पता ही नहीं कैसे काम करना,
राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, आपको किसी को पैटर्न दिख रहा है क्या? क्या पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है? कि मुझे यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है ये, अच्छा ये जो हमारा पूरा मैट्रिक्स में ना, ये सेल है ना कि जो नया 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा है, 3x3 का जो जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन स्टोर, ये क्या है? मैट्रिक्स है, पहला सेल। तो बच्चों देखो पहला सेल का आईडी क्या होता है? 00 होता है, 00, ये 01, ये 02। हमारे पास अगर ब्लू वाले मार्कर हो तो दीजिए मुझे, 10, ये 11 और 12 है। ये क्या है बेटा? 20, 20, ये क्या है? 21 और ये क्या है? 22। ये हमारे सेल नंबर है ना, 00010210112202122। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कॉमन चीज अगर दिखेगा, देखिए ये जो जीरो है, आई वाला हमारा जो जीरो लेते थे, ये सब सेम है ना, देखिए ये जो हमारा ये है, ये सब सेम है ना? मतलब जो रो कॉलम था हमारा, हम जो आई जे से करके भागते थे, देखो ये सब सेम है। यहाँ पे भी देखो जब हमारा रो जीरो कॉलम वन रहता था, देखो ये रो जीरो पूरा सेम है और ये कॉलम वन क्या है? पूरा सेम है, यहाँ पे जीरो वन तो बदला है, राइट। वैसे यहाँ पे देखो जीरो नंबर रो है और कॉलम नंबर क्या है? टू है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा क्या है? सेम है। वैसे ही वन देखिए यहाँ पे, रो पूरा सेम है और यहाँ पे जीरो देखिए, ये पूरा सेम है। बच्चों वैसे सभी में है, सब में है कि नहीं? आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे उसका सेल आईडी है, जो भी क्या है सेल आईडी है, उसका पूरा ये सेम हो रहा है और ये पूरा सेम हो रहा है। मतलब जो हम आईजे कर करके आगे प्रिंट कर करके चल रहे थे वो तो है, लेकिन बीच में खाली ये बदल रहा है। देखो ये क्या हो रहा है? 01 to 01 to 01 to 01, ये तो फिक्स है ना, ये 01 to 01 to, देखो ये वाला खाली बदल रहा है 01 to 01 to। यानी स्टूडेंट्स हम लोग जो आई और जे ले रहे थे वो सेम रहेगा, लेकिन बीच में कोई बदलेगा खाली 01 to 01। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? इसको मैं इरेज करता हूँ ऊपर वाले कोड को, ऊपर वाले उसको, टू राइट द कोड। फ्रेंड्स यानी हमने जो किया था फॉर लूप वाला, यहाँ पे देखिए जो 00 01 02 10 11 के लिए हमारा तो देखो ये तो बराबर है ना, 00 01 02 10 11 12। तो ऐसे ये 20 21, ये पूरा 21 और 22, खाली बीच में एक 012 बदल रहा है। मतलब हम जब इतना लिखते थे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, और उसके अंदर हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस, इतना तो हो ही रहा था ना, 00 01 02 10, इतना तो आ ही रहा था, राइट। लेकिन हमको पता चला अब उनके लिए भी मुझे क्या लेना, और एक 01 to 01 to लेना है। हाँ, उस आई और जे के लिए मुझे बीच में भी कुछ क्या चाहिए? 01 to 01 to बदलना चाहिए, राइट। इसके वजह से हम अंदर क्या लेंगे, और एक वेरिएबल ले लेंगे k इक्वल टू 0। देखो वो भी किसी पर डिपेंड नहीं, 0 टू 2 तक ही जा रहा है, k इक्वल टू 0 और k लेस देन 2, k प्लस प्लस, लेस देन इक्वल टू k लेस देन 3 है ना, 3 करेंगे तो हमारा 2 तक जाएगा, k प्लस प्लस, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देखिए, देखो आईजे तो हमको पता है ना 0 0 होने वाला है, 01। तो आप जो क्या लोगे यहाँ पे, मैं सी जो नया मैट्रिक्स हमारा जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करने वाले हैं, मैं उनके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आऊंगा सी ऑफ आईजे को सबको मैं 0 इनिशियलाइज कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे जब भी आएंगे इसको थोड़ा मैं वाइडन करके लिखता हूँ आपको क्लियर समझ आए। ये था स्टूडेंट जे, आपको पता है यहाँ पे आते ही सारे वैल्यू इतना लिख देने से सारा काम हो जाता ना, 00 01 10, आईजे लिखते तो 10 11 12, सारे रो सारे कॉलम से। तो यहाँ पे आते ही मैं पहले क्या करूंगा स्टूडेंट्स, उसके वैल्यू को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। मतलब मैंने सारे आईजे के वैल्यू को किससे इनिशियलाइज कर दिया, 0, क्योंकि हम इसको सम भी करने वाले ना, सम करते वक्त हमेशा हम क्या कर लेते हैं, ए से वैल्यू को 0 क्यों कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो उसके पहले कुछ अगर गार्बेज वैल्यू होगा तो वो भी उसको भी सम कर लेगा ना, राइट। इसलिए हम उसको 0 कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स ये रियलाइज करने के लिए 01 to जाने के लिए मैं यहाँ पे k नाम का लूप लूंगा, k लेस देन 3, k प्लस प्लस। देखो आपको पता है कि
इतना लिख देने से आई जे जीरो जीरो से जीरो वन ऐसा बदल जाता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सी आई जे मतलब जो सम वाला टेबल है जिसके अंदर आप नया रिजल्ट डालें, इक्वल टू सी आई जे इक्वल टू आप क्या लिखोगे, सी आई जे प्लस, क्योंकि पहले जीरो होगा, जीरो प्लस होगा ना धीरे धीरे एक एक एलिमेंट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आई जे आई जे वही, लेकिन बीच में कौन बदल रहा है, तीन बार के बदल रहा है, जीरो वन टू जीरो वन टू, जिसको मैं इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो इक्वल टू यहां पे क्या लिखोगे आप, तो प्लस ए ऑफ आई, ये क्या आई होगा, ये क्या के है ना, के बदलेगा तीन बार, आई के मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई हो रहा है आई के, देखो ये आई हुआ ये के हुआ, ये भी के ही ना, तो तीन बार बदल रहा है, इंटू क्या है बी ऑफ के, और ये क्या है जे वाला है। बस इसको आप क्या करोगे, इसके अंदर स्टोर करोगे, राइट right? ये मल्टीप्लीकेशन में, यानी अगर हम इसको एक सिंगल लाइन में लिखे तो कैसा लिखा जाएगा, सी आई जे इक्वल टू सी ऑफ आई जे प्लस, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई, यानी ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे, यहाँ पे, और ये जो फॉर के वाला था यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये फिर जे वाला और ये आई वाला, इतने में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका सारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। देखो ये एक ही लाइन का कोड है, इसको मैं अभी इरेज कर सकता हूं, मतलब आप ये वाला कोड लिखोगे सी, ये आपका फाइनल कोड, खाली आपको एक ही लाइन का कोड लिखना है, ये वाला सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी के जे। देखो ये आई देखो हमारा सेम ही है ना, आई हमारा सेम है, खाली बदल कौन रहा है, के बदल रहा है अंदर, जीरो वन टू होगा। देखो पहले तो हमको पता था आई जे के वैल्यू क्या है, जीरो जीरो होता है, जीरो वन जीरो टू बदलते रहते ना, लेकिन एक बीच में ये बदल रहा है, जीरो वन टू जीरो वन जीरो वन, देखो ये बदल रहा है ना खाली, जीरो वन टू जीरो वन टू, 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 जीरो वन टू जीरो वन टू। तो उसके लिए हमने के ले लिया, बस ये आई जे तो था हमारा पहले से, लेकिन हम उसके लिए के क्यों ले रहे, ये बदलने के लिए, ये तो आई जे हमारा फिक्स है, इसीलिए हम क्या सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस सी आई के कौन है बदलने वाला, जो जीरो वन टू, देखो आई हमारा जीरो ही है लेकिन कौन बदल रहा है, के बदल रहा है ना, जीरो वन टू जीरो वन टू, फिर जे तो फिक्स है हमारा जीरो, ऐसे आपको क्या होगा एक सेल के लिए मिलेगा, जब आई जीरो वन होगा, जब आई और जे की वैल्यू क्या होगा, जीरो वन होगा, फिर से ये बदलेगा, फिर से सारा ये इतना आ जाएगा, आई जीरो वन है लेकिन के क्या हो रहा है, जीरो वन टू हो रहा है, जीरो वन टू हो रहा है, और प्लस होते जा रहे हैं, देखो एक एक एलिमेंट प्लस कर दिया जा रहा है, पहले क्या करेगा बेटा इसको इसको खाली पहले सम करके इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसको किसके साथ जोड़ेगा, जीरो के साथ, क्योंकि पहली बार सी आई जी की वैल्यू क्या है, जीरो है ना, ये स्टोर करेगा, फिर दूसरी बार क्या करेगा, क्योंकि के ही तो बदल रहा है, आई जे तो फिक्स ही है, इसको फिर गुणा करेगा, जो भी होगा वो किसके साथ जोड़ेगा, फिर से सी आई जे मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू होगा उसके साथ, फिर इसको गुणा करके इसके साथ, मतलब ये पूरा एक जोड़ करके तुम्हारा सी आई जे यानी सी जीरो जीरो आएगा, उसके बाद ये के वाला लूप टूटेगा, अब बाहर जाओगे पूरा सी आई जब जीरो होगा और जे क्या होगा वन होगा, इसके लिए फिर से ये प्रोसेस होगा, ऐसे होके आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, हो गया, फिर आपको क्या करना है, खाली मैट्रिक्स को क्या करता है, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया हमारा ये मेन प्रोसेस, फिर आपको खाली डिस्प्ले कर देना, सी आई जे को प्रिंट कर देना। आई होप स्टूडेंट्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर बच्चों आपको ये नहीं पता है और डायरेक्ट आपने कोड देख लिया, लोग क्या करते हैं, अरे इसमें तीन लेवल लेना, नेस्टेड लूप का एप्लीकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में से व्हाट, नेस्टेड लूप, आई के अंदर जे आता है, जे के अंदर के आता है, आई के अंदर जे आएगा, जे के अंदर के आएगा, और इसके अंदर ऐसा लिख देना, देखो उसमें आई के जे आता है, रट्टा मार लिया खत्म, आई जे के, और यहां पे क्या आना चाहिए, आई के अंदर आई के जे, और क्या करना है ये सब। लेकिन हमको जब आपको पहली बार जिसने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा होगा उसने कुछ तो सोच के, उसको तो कोड सपने में नहीं आया होगा, उसने ऐसा देखा होगा कि अच्छा क्या उसमें संबंध बन रहे, क्या उसके अंदर रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, उस रिलेशन को लेके उन्होंने क्या किया होगा, कोड में कन्वर्ट किया होगा। तो ऐसे ही हमने देखा, हमने एक रिलेशन देखा, देखो यहाँ पे आई जे तो कॉमन ही है लेकिन ये ससुरा जे के टू बदल रहा है, जे के बदल रहा है, तो ये के वाले को जो बदल रहा है वैसे ही बदलाव को हमने क्या किया, और एक नेस्टेड लूप लेना पड़ा, नहीं तो नेस्टेड लूप की कोई जरूरत ही नहीं है, तीसरा लेवल का, हम दो लेवल में काम तो चल ही रहा था ना, तीसरा लेवल पे क्यों गए, प्रश्न आता ना दो लेवल में भाई आपने क्यों नहीं कर पाए, तीसरा लेवल में गए ही क्यों, तो ये कारण है क्योंकि तीसरा लेवल में जाए कैसे, हर बदल रहा है, जीरो वन टू जीरो वन टू जीरो वन टू चाहिए, तो इसलिए हमने और एक जीरो वन टू को इंट्रोड्यूस किया, के को, समझ में आया, और ऐसा हमारा काम हो गया। तो जैसा काम
रट्टा नहीं मारना तीन लेवल ना, काम के हिसाब से बदलना चाहिए। हमारे रिक्वायरमेंट आया तो वैसे हम बदल दें। आई होप यू अंडरस्टूड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड।